हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। उम्मीद कर रहा हूँ आपके साथ सभी कुछ अच्छा चल रहा होगा। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हेलब्लेड एक यूनिक गेम है। हेलब्लेड निंजा थ्योरी का बनाया हुआ एक गेम है और निंजा थ्योरी वही डेवलपर है जिन्होंने DMC, हेवनली स्वर्ड और एनस्लेव्ड जैसे गेम को डेवलप किया गया है। हेलब्लेड एक एक्शन एडवेंचर फाइटिंग पजल सॉल्विंग और थोड़ा बहुत हॉरर गेम भी है। तो आप बोलोगे कि अब इसमें क्या अलग बात है, ऐसे तो काफ़ी हजारों गेम हैं। बिल्कुल सही, आप इस बात में सही हो, बहुत सारे गेम हैं इसमें। लेकिन ये बात है कि इतने सारे फीचर्स या जनरा इस गेम में है, हमें एक गेम में मिलते हैं। ऐसे गेम भी अगर बनता है तो आधा ज़्यादा बर्बाद होता है, उतना अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें वो बात नहीं है, ये गेम बहुत अलग गेम है। क्यों, ये जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। ये गेम हेलब्लेड सेनुआ सेक्रीफाइस, हमारी प्रोटेगनिस्ट सेनुआ, जिसका नाम सेनुआ है, उसके मेंटल बीमारी पर बेस्ड है, मेंटल कंडीशन पर, या साइकोसिस कह सकते हैं, साइकोसिस भी है एक मेंटल इलनेस। उसके मेंटल कंडीशन के कारण उसे काफ़ी सारे चीज़ देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें जो खेल रहा है काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का। हेलब्लेड एक डार्क फैंटेसी गेम है जो कि नॉर्स माइथोलॉजी और सेल्टिक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। गेम में एक नरेटर मिलता है हमें जो कि स्टोरी को वॉइस ओवर करता रहता है बीच बीच में, और वॉइस ओवर से ही हमें पूरी स्टोरी मिलती है सुनने को। जो नरेटर है गेम का, वो एक मेटाफोर का काम करता है सेनुआ के लिए, और सेनुआ अपने मेंटल कंडीशन को बीमारी नहीं मानती है। वो सोचती है कि वो एक डार्कनेस नाम से भूत या ऐसी कुछ बुरी चीज़ से कर्ज है। सेनुआ अपनी खुद की पास्ट की मेमोरी से बात कर सकती है, और उसकी मेंटल कंडीशन के कारण सेनुआ को अपने दिमाग से आवाज़ें आती है काफ़ी सारे, वो आवाज़ें इनसे बात करती है, और गेम में इसे फ्यूरीज कहा गया है। डेवलपर ने इस गेम में काफ़ी अच्छा काम किया है, मेंटल इलनेस के स्पेशलिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट के साथ मिलकर, और इसी कारण इसमें काफ़ी अच्छा मेंटल इलनेस दिखाया गया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसमें मेंटल इलनेस। हेलब्लेड में हमें कोई ट्यूटोरियल विंडो नहीं मिलता है जो कि हमें बताए कि ऐसा करना है या वैसा करना है, बल्कि इसमें हमें वॉइस ओवर मिलता है फ्यूरीज से, वो हमें हेल्प करती है, चाहे वो पजल सॉल्विंग करने में हो या फिर स्टोरी का, तो वॉइस ओवर होता ही है, और साथ ही में कॉम्बैट के टाइम वो बताती है कि पीछे से कोई मार देगा या फिर ब्लॉक कर लो, डॉच कर लो, वैसा कुछ। ऐसे कई सारे फीचर है इस गेम में जो कि हमें काफ़ी गेमों में देखने को नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो इतने अच्छे नहीं रहते हैं वो। यही सब हेलब्लेड को एक अलग गेम बनाता है उन सब गेम से। अलग होने के साथ भी इसमें काफ़ी सारे अच्छे हैं, जैसे इसका कॉम्बैट, ग्राफिक्स, गेम प्ले हो गया और स्टोरी। तो हेलब्लेड सेनुआ सेक्रीफाइस थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव में खेले जाने वाला गेम है, जिसका गेम प्ले मेनली दो टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट टाइप वो है जिसमें हमें आसपास का एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करने मिलता है, और पजल सॉल्विंग भी वहीं होता है, और यही टाइम होता है जहाँ पर हमें वॉइस ओवर सुनने को मिलता है और स्टोरी उसी से एक्सप्लेन होता है। सेकेंड टाइप है हमारा कॉम्बैट हैक एंड स्लैश टाइप है, और डेवलपर निंजा थ्योरी है, तो कोई शिकायत नहीं, एटलीस्ट मुझे तो, और आप खेलोगे तो आपको भी अच्छा ही लगेगा आई थिंक। कॉम्बैट के टाइम ही सेनुआ ऑटोमेटिकली अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। कॉम्बैट में हम पैरी कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं और इवेड कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल कॉम्बैट है लेकिन ठीक ठाक है। उतना खतरनाक एक्शन कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन अच्छा अच्छा एनिमेशन है इसमें भी। सेनुआ के पास एक एबिलिटी है या फिर पावर बोल लो, जिसे फोकस कहा गया है गेम में। फोकस एक ऐसा एबिलिटी है, मतलब उसके मेंटल कंडीशन के कारण, कि सेनुआ को चीज़ें अलग नज़रिए से दिखाई देती है, मतलब नॉर्मल चीज भी। फोकस एबिलिटी पजल सॉल्विंग में बहुत हेल्प करता है, और साथ ही में कॉम्बैट में भी। इल्यूजन वाले इसमें काफ़ी सारे पजल है जिसमें फोकस एबिलिटी बहुत हेल्प करता है हमारा, और कॉम्बैट में ये
डेविल मे क्राई के डेविल ट्रिगर के जैसे काम करता है। अगर आपने डेविल मे क्राई का डेविल ट्रिगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मतलब उस टाइम आपकी पावर बढ़ जाती है एनिमी से बहुत ज़्यादा, थोड़े समय के लिए लेकिन बहुत बढ़ जाती है। गेम में ये बताया है, मतलब गेम के हिसाब से एक रॉट एक फीचर है, मतलब एक बीमारी टाइप का सेनुआ के हाथ में लग चुका है। अगर रॉट सर पर पहुंच गया सेनुआ के तो गेम ओवर और सेव डिलीट हो जाएगा। जितना बार मरते हैं रॉट उतना बढ़ता जाता है, स्टार्टिंग में हाथ में होता है इसके। मैं अपनी पूरी रन में 5-6 बार मरा था तो बिल्कुल नहीं पहुंचा था, कंधे तक भी नहीं पहुंचा था। तो गेम ओवर हो सकता है और सेव डिलीट हो सकता है, इसे बचने के लिए सेफली खेलना। डिफ़िकल्टी की बात करें गेम की तो इसमें दो टाइप की डिफ़िकल्टी मिलते हैं, एक है ऑटोमेटिक, दूसरा है इजी, नॉर्मल या हार्ड। अगर आप ऑटोमेटिक खेलोगे तो गेम आपको कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके हिसाब से आगे, मतलब आगे जो बढ़ोगे गेम में तो उस हिसाब से आपको डिफ़िकल्टी ला कर देगा। हेल्पलेस सेनुआ सेक्रीफाइस 8th सेंचुरी के लास्ट के टाइम पर बेस्ड है, जिसमें हमारी प्रोटैगनिस्ट सेनुआ जो कि एक ऑर्कने की पिक्ट वॉरियर है, वो अपने लवर का या फिर बॉयफ्रेंड जो भी बोल लो का सोल बचाने आई है गॉडेस हेला से। हेला टॉर्चर कर रही है सेनुआ के बॉयफ्रेंड के सोल को। गेम की स्टार्टिंग में सेनुआ हेलायम के बॉर्डर पर पहुंचती है और वहीं से हमारा गेम स्टार्ट होता है। इस गेम में हमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिससे हम इंटरेक्ट कर बैक स्टोरी जान सकते हैं, काफ़ी सारी और अच्छी अच्छी बैक स्टोरी है। उनके पास जाकर बस इंटरेक्ट करने का होता है और वॉइस ओवर चालू हो जाता है जो भी स्टोरी बताना है उनका। हेलब्लेड की स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं है, ये 7-8 घंटे की है जो कि अच्छी बात है नॉन ओपन वर्ल्ड गेम के लिए, बहुत अच्छी बात है। इस गेम्स के विजुअल्स बहुत एकदम क्लोज टू रियलिज्म तो नहीं बोलूँगा लेकिन 2017 का गेम होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे हैं। इसका टेक्सचर डिटेलिंग एकदम अलग है, चाहे वो अपनी कैरेक्टर हो या फिर इन्वायरमेंट हो या फिर एनिमीज। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा बनाया गया है लेकिन इसे ब्यूटीफुल तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर हेल डिस्क्राइब किया गया है तो थोड़ा गंदा ही बनाया गया है, जो कि सही है हेल के लिए, बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। गेम में बॉस फाइट भी है टाइम टू टाइम, अच्छे अच्छे बॉस है जैसे कि गॉड ऑफ इल्यूजन है, उसका नाम भूल गया मैं, और गॉड ऑफ फायर है, सर्ट नाम था शायद उसका। हेला यहाँ पर मेन विलन है। स्टोरी बहुत अच्छी वेल डिस्क्राइब्ड है और ड्रूथ नाम का एक कैरेक्टर है जो दिखता तो नहीं है लेकिन वॉइस ओवर से सेनुआ से बात करता है वो, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा फ्रेंड है सेनुआ का। और बाकी कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वॉइस ओवर के हिसाब से बहुत सारे कैरेक्टर हैं गेम में। हेलब्लेड सेनुआ सेक्रीफाइस 2017 में रिलीज हुआ एक इंडिपेंडेंट ट्रिपल ए टाइटल है। निंजा थ्योरी ने ये कहा है कि ये इंडिपेंडेंट ट्रिपल ए टाइटल है, वो मानते हैं कि वो कम बजट में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, जो कि मैं भी मानता हूँ, बजट का तो नहीं पता लेकिन अच्छा काम किया है। ये गेम एक एक्शन एडवेंचर पजल सॉल्विंग हैक एंड स्लैश गेम है और थोड़ा बहुत हॉरर भी है। इस गेम को निंजा थ्योरी ने डेवलप किया है और मैं मानता हूँ कि इसके जैसा कोई गेम नहीं है, ये एकदम अलग गेम है। इस गेम का पूरा मज़ा लेने के लिए आप हेडफोन का ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि वॉइस ओवर बहुत है और अगर आपके हेडफोन में सराउंड साउंड सपोर्ट है तो और भी अच्छा लगेगा। सारी स्टोरी यहाँ पर वॉइस ओवर से बताई गई है और इस गेम में खासकर मेंटल इलनेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। बीच बीच में तो मुझे भी लगा था कि मैं भी पागल हो रहा हूँ गेम खेल के। यही सब फीचर्स हेलब्लेड सिनेमा सेक्रीफाइस को एक अलग गेम बनाते हैं और इतने अलग बनाते हैं कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता सब, आप जब खेलोगे तो समझ जाओगे। और हेलब्लेड मुझे लगता है कि एक वर्थ प्लेइंग टाइटल है, एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो खेलना ही चाहिए हेलब्लेड। तो यही था आज का वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल देखो और सब्सक्राइब करो क्योंकि हम रखते हैं क्वालिटी गेमिंग वीडियोस। गुड बाय।